पिंटरेस्ट के फिफ्थ टिप में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पिंटरेस्ट में जो बोर्ड क्रिएट किया जाता है वो बोर्ड किस तरीके से क्रिएट करिए, बोर्ड होता क्या है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बोर्ड का जो नेमिंग है इसको किस तरीके से नामकरण करें ताकि आपका जो बोर्ड है वो सर्च रिजल्ट में वो टॉप में आए। तो आज हम लोग ये सीखेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं चैनल ज्ञान अर्जन। चलिए मैं आपको अपने पिंटरेस्ट के प्रोफाइल पे लेके चलता हूँ, वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि बोर्ड और उसको किस तरीके से टॉप में लाया जाए इसके बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पर मैंने टू बोर्ड्स क्रिएट किए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड पर क्लिक किया है तो यहाँ पर दो बोर्ड, एक है बाय फेमिनिज्म कोट्स का, एक है बाय फेमिनिज्म कोट्स वुमेन टी शर्ट और एक है बाय मोटिवेशन कोट्स हुडीज एट ह्यूज डिस्काउंट। ये मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है दो बोर्ड। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बोर्ड है क्या। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर पिंटरेस्ट में जो अलग अलग आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, इन सब चीजों को यहाँ पर टॉपिक को या फिर आइडियाज को यहाँ पर पिन कहा जाता है। मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ, जैसे कि आप जब कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर पे बहुत सारे फाइल्स आप क्रिएट करते हैं, तो ये मान लीजिए ये एक एक टॉपिक ये सारे के सारे फाइल्स हैं। अब उन फाइल्स को आप क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, उसे अलग अलग फोल्डर में रखते हैं। मतलब जैसे कि सपोज वर्ड डॉक्यूमेंट का एक अलग फोल्डर बना दिया, या फिर आपका जो मान लीजिए आपका जो एक्सपेंस का है, एक्सपेंस का जो भी फाइल्स है उसका एक अलग फोल्डर है, आपका जो ऑर्डर का जो फाइल है उसका एक अलग फोल्डर है। तो उस तरीके से यहाँ पर ये सारे के सारे जो पिंस है ये पिंस को अलग अलग फोल्डर में जो अगर रखा जाए तो उसे हम लोग बोर्ड कहते हैं। मेरा इंटरेस्ट अगर टी शर्ट में हो, मेरा इंटरेस्ट अगर सेलिब्रिटीज में हो, मान लीजिए होम डेकोर में है या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो मैं क्या करूंगा, सपोज यहाँ पर जितने सारे टी शर्ट्स है मुझे जो जो अच्छे टी शर्ट्स लगेंगे मैं वो क्या करूंगा, मैं एक बोर्ड अलग से एक टी शर्ट का बोर्ड बना लूंगा, मैं उसमें सारे के सारे टी शर्ट्स का मैं स्टोर करूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज यहाँ पर वुमेन रिलेटेड बहुत सारे टी शर्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे सपोज मुझे अगर ये सेव करना है या फिर मैं अगर अपलोड करता हूँ किसी इस तरह का मैंने कॉन्टेंट को, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वो ऐसे अगर सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि कौन से बोर्ड में मुझे सिलेक्ट इसे स्टोर करना है, तो मैं बाय फेमिनिज्म कोट्स में मैं इसे सेव करूंगा क्योंकि ये वुमेन रिलेटेड है। तो मैंने क्या किया, एक सिलेक्शन किया कि इसे मुझे इस फोल्डर में रखना है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर हर फाइल को यहाँ पर पिन कहा जाता है, मतलब फाइल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, यहाँ पर हर टॉपिक जो कि अपलोड किया है तो उसे पिन कहा जाता है और उसे जहां पर हम लोग स्टोर करते हैं उसे हम लोग बोर्ड कहते हैं। चलिए मैं अगर ये भी अगर जैसे कि सपोज सेव करूँ तो इसे भी मैं फिर ये दोनों बोर्ड मैंने यहाँ पर क्रिएट किए, तो मैं उनमें से ये क्योंकि ये फेमिनिज्म का है फिर वुमेन रिलेटेड है तो मैं ये फेमिनिज्म में सेव करता हूँ, जैसे कि मैंने ये कर लिया। अब सपोज मेरे पास एक मैं यहाँ पर होम डेकोर सर्च कर रहा हूँ, मुझे होम डेकोर में भी सपोज मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं होम डेकोर अगर सर्च करूँ यहाँ पर तो मेरे पास अलग अलग तरीके के जैसे कि अब ये सब मेरे सामने आने लगा। तो अब मैं अगर यहाँ पर कुछ इसे सेव, सपोज मुझे ये टॉपिक अच्छा लगता है, मैं इस टॉपिक को पहले मैं ओपन करके पढ़ूंगा जो भी वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन मुझे अगर ये सेव करना है जैसे यहाँ पर है 22 जीनियस DIY होम डेकोर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो मैं इसे अगर सेव करना चाहता हूँ, ये स्टोरी मुझे मान लीजिए अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं इसे अगर सेव करना चाहूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आएगा। मैंने ऑलरेडी ये दोनों को क्रिएट करके रखा हुआ है लेकिन ये होम डेकोर रिलेटेड है और ये फेमिनिज्म कोर्स के रिलेटेड नहीं है, मोटिवेशन कोर्स के रिलेटेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक बोर्ड क्रिएट करूंगा। यहाँ पर क्रिएट बोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पर क्रिएट बोर्ड का ऑप्शन करूंगा। अब क्रिएट बोर्ड का ऑप्शन करूंगा मतलब क्या, मैं एक फोल्डर का ऑप्शन क्रिएट कर रहा हूँ जहां पर कि मैं होम डेकोर रिलेटेड जो भी आइटम्स हो या फिर जो भी टॉपिक मैं सेव करके रखना चाहता हूँ मैं उस फोल्डर में सेव करके रखूंगा। तो यहाँ पर सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, होम डेकोर टिप्स या फिर यूनिक होम डेकोर आइडियाज और टिप्स। अब मैं इस बोर्ड को यहां पर मैं क्रिएट कर लूंगा, ये मैंने बोर्ड का नाम ये कर दिया। अब यहाँ पर जैसे एक अगर मुझे इसे सीक्रेट रखना है तो मैं इसे सीक्रेट रखूंगा क्योंकि, लेकिन मैं यहाँ पर बिजनेस करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है, मैं लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, तो मैं यहाँ पर क्रिएट पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा तो इस तरीके का एक बोर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब मेरे पास थ्री बोर्ड्स है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, जैसे कि सपोज अगर मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसे भी सेव कर सकता हूँ या फिर चलिए कुछ थोड़ा सा एक यूनिक, जैसे कि ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसे पढ़, एक्चुअली ये जो पिंस है इस पिंस का इस्तेमाल किया, आपके दिमाग में भी ये अगर आ रहा होगा तो यहाँ पर ये एक एक टॉपिक को अपलोड करके रखा गया। मैंने स्टार्टिंग के एपिसोड में मैंने दिखाया था, चलिए मैं फिर से दिखाता हूँ, मैंने ये तस्वीर देखा तो मुझे इसको स्टडी करना है, तो मैं क्या करूंगा इस पिन पर मैं क्लिक करूंगा। इस पिन पर क्लिक करते ही मेरे पास इस पिक्चर ओपन हो गया, उसके साथ इसका जो डिटेल्स है ये ओपन आ जाएगा, हो जाएगा मेरे पास। और ये वेबसाइट यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ब्लू सर्कल हो रहा है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाकर क्लिक करके मैं इस टॉपिक को मैं पढ़ सकता हूँ और ये पिन इसी वजह से
यहाँ पर किया जाता है, तो मैं यहाँ पर पढ़ सकता हूँ। तो अब सपोज मुझे ये अच्छा लगा, मैं मुझे इसे स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सेव में जाऊंगा। सेव में जाने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास थ्री यहाँ पर बोर्ड्स हैं, तो मैं यहाँ पर होम डेकोर रिलेटेड है, तो मैं होम डेकोर में जाके मैं इसे क्लिक करके इसे सेव कर दूंगा। तो ये सेव टू यूनिक होम डेकोर आइडियाज और टिप्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बोर्ड किस काम आता है और पिंस किस काम आता है। तो चलिए अब हम लोग जिस मेन टॉपिक पे आने वाले हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो बोर्ड क्रिएट किए हैं, यहाँ पर बोर्ड्स को मैं क्लिक कर लेता हूँ। बोर्ड्स को क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको नजर आएगा एक बोर्ड ये है, दूसरा बोर्ड ये वाला, तीसरा बोर्ड ये वाला, ये मेरा पहला बोर्ड जो मैंने क्रिएट किया था, दूसरा बोर्ड और तीसरा बोर्ड। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये आप बोर्ड को किस तरीके से आप टॉप में लेके आएंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेस करते हैं, जिस बिजनेस में होम डेकोर रिलेटेड आइटम्स को आप सेल करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि पिंटरेस्ट में आप सभी तरीके के बिजनेस कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, उसका तस्वीर आपने फोटो खींचा है, उसके बाद उसका अगर ब्लॉग क्रिएट किया है या फिर वेबसाइट आपका है, तो आपने क्या किया, वो सारे के सारे पिंस को यहाँ पर एक एक करके वो सारे तस्वीर को यहाँ पर अपलोड किया, और उसका जो लिंक मैंने बताया था किस तरीके से लिंक किया था, उस लिंक को आप उस वेबसाइट के साथ कर दिए। तो ये एक होम डेकोर का बोर्ड यहाँ पर बन गया। अब आप जरूर चाहेंगे कि अगर कोई सर्च करे तो आपका जो बोर्ड है, आपका बोर्ड टॉप में आए, ताकि उसके अंदर का जो कंटेंट है वो कंटेंट एल्गोरिथम के हिसाब से, पिंटरेस्ट के एल्गोरिथम के हिसाब से पिक करके वो कंटेंट लोगों के सामने आए, ताकि लोग वहां से परचेस कर सके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को ये बताया कि पिंटरेस्ट इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। अगर आप यहाँ पर सही ढंग से कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑर्डर मिलने में दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको बिजनेस मिलने में दिक्कत नहीं, आप यहाँ से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इन शॉर्ट ये समझिए, इन पिंटरेस्ट कीवर्ड्स इक्वल्स टू मनी। अगर आप सही कीवर्ड का चयन कर रहे हैं तो आप सही पैसे अर्जन करने का आप जरिया चयन कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है, हम लोगों को जो करना है वो ये कि बोर्ड में, बोर्ड का जो नामकरण जो होगा, वो नामकरण में हम लोगों का कीवर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर ये पहला वाला बोर्ड को ले लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग अगर बोर्ड क्रिएट करते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि बोर्ड किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो है कि हम लोग अगर कोई पिन हम लोगों को अच्छा लग जाए, उसे ही हम लोग वहां पर डायरेक्टली सेव का ऑप्शन दे पड़ेंगे, तो हम लोगों को ऑप्शन आएगा कि किस बोर्ड में सेव करना चाहते हैं। तो अगर वो बोर्ड वहां पर मुझे नहीं मिल रहा है, कि मैंने कोई इस तरह का नया बोर्ड क्रिएट नहीं किया, तो क्रिएट बोर्ड का ऑप्शन मिलेगा वहां पर मुझे। और अगर आप चाहते हैं कि आप पहले से बोर्ड को क्रिएट करें, तो आप अपने प्रोफाइल में आने के बाद आपको यहाँ पर ओवरव्यू, बोर्ड, पिन ये सब आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर बोर्ड पर आइए, यहाँ पर आने के बाद आपको ये प्लस साइन का यहाँ पर सिंबल मिल रहा है, ये प्लस साइन के सिंबल के नीचे आपको नजर आएगा यहाँ पर क्रिएट बोर्ड। तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी बोर्ड को आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, बिल्कुल वही चीज है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि सपोज ये वाला मैंने जैसे ये जो बोर्ड जो क्रिएट किया था, तो यहाँ पर हम लोग इस समय यहाँ पर एक पेंसिल सिंबल, आप कोई भी बोर्ड के नीचे ये एडिट का एक सिंबल होता है, ये पेंसिल वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ इसे एडिट करने के लिए, मैं वो दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है, क्या इस्तेमाल किया है, जैसे कि एक बाय, दूसरा है कोट्स, तीसरा है मोटिवेशन, चौथा है हुडीज, पांचवा है डिस्काउंट। अब ये सारे के सारे चीज कीवर्ड से बने हुए हैं। कैसे कीवर्ड से बने हुए हैं, कोई अगर ये मैंने सर्च करे कि मोटिवेशनल कोट हुडीज, तो मेरे पास ये एक लॉन्ग कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। कोई अगर ये सर्च करे कि बाय हुडीज एट डिस्काउंट या एट ह्यूज डिस्काउंट, तो यहाँ से मेरा बाय पिक हो जाएगा, यहाँ से हुडीज एट ह्यूज डिस्काउंट पिक हो जाएगा। कोई अगर ऐसा ये सर्च करे कि कोट हुडीज एट डिस्काउंट, मान लीजिए ह्यूज नहीं ये किया वो, तो कोट हुडीज एट डिस्काउंट, कोटेशन वाला जो हुडीज होता है, तो भी आ जाएगा। मोटिवेशनल कोट्स अगर कोई सर्च करता है, तो मेरा जो ये जो मेरा जो बोर्ड है वो उसके एल्गोरिथम के में आ जाएगा, सर्च के एल्गोरिथम में आ जाएगा। अब जब एल्गोरिथम में जब आ जाएगा, तो वहां से क्या करेगा कि पिंटरेस्ट मेरा कंटेंट को पिक करेगा। एक्चुअली पिंटरेस्ट काम किस तरीके से करता है, पिंटरेस्ट का जो एल्गोरिथम है वो क्या करता है, जब भी कोई सर्च होता है तो वो अपने एल्गोरिथम में उसे मैच करवाता है कि इसके रिलेटेड कॉन्टेंट कौन सा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कैंडिडेट ए ने अपना एक बोर्ड क्रिएट किया है टेस्टी रेसिपीज, और कैंडिडेट बी ने अपना एक बोर्ड क्रिएट किया है केक रेसिपीज। कैंडिडेट ए ने टेस्टी रेसिपीज के अंदर चिकन, केक, फ्राइड राइस और जो भी मटर पनीर है वो सब सारे के तरह के रेसिपीज उसमें डाल दिए, और जो कैंडिडेट बी है उसने एक बोर्ड बनाया है केक रेसिपीज का स्पेसिफिकली। उसके अलावा भी वो और भी अलग अलग बोर्ड्स बनाए, जैसे कि टेस्टी रेसिपीज है, या फिर टेस्टी मटर पनीर रेसिपीज, या फिर टेस्टी केक रेसिपीज, टेस्टी केक रेसिपीज, तो इस तरह के अलग अलग बोर्ड्स ने बनाए। अब अगर मैं सर्च करूं
पेस्ट्री केक या फिर केक रेसिपीज। तो पिंटरेस्ट क्या करेगा, पिंटरेस्ट जो अपना एल्गोरिथम है उस एल्गोरिथम को रन करेगा। रन करने के बाद वो रेसिपी वाला आइटम में तो जाएगा, वो रेसिपी वाला आइटम में जाएगा कि कैंडिडेट ए का भी रेसिपी का आइटम है, कैंडिडेट बी का भी रेसिपी का आइटम है। अब क्या होगा कि वहां पर उसे सबसे ज्यादा जो रिलेट मिलेगा वो रिलेटेड मिलेगा कि मैंने केक सर्च किया था और कैंडिडेट बी का टेस्टी केक रेसिपीज है या फिर केक रेसिपीज है। तो वो क्या करेगा, कैंडिडेट बी के प्रोफाइल में या फिर बोर्ड में के अंदर घुस जाएगा, बोर्ड के अंदर घुस के वहां पर वो कंटेंट को सर्च करेगा, क्योंकि उसे वो ज्यादा रिलेटेड फील होगा कि केक रिलेटेड रेसिपी है, ये एक बोर्ड का नेम है, उसके अंदर में केक रिलेटेड बहुत सारे रेसिपीज के टॉपिक में या फिर पिंस वहां पर है। तो वो उसे पिक करके सामने ज्यादा थ्रो करेगा कंपेयरिंग टू जो कैंडिडेट ए का था जिसमें टेस्टी रेसिपीज था। अब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि टॉप पिंटरेस्ट पोस्ट या फिर यूनिक पिंटरेस्ट पोस्ट, अगर इसमें सपोज केक रेसिपी डाल दिया गया, एक मैंने कैंडिडेट सी जिसने एक प्रोफाइल क्रिएट किया, उसमें एक बोर्ड क्रिएट किया बेस्ट ऑफ पिंटरेस्ट, बेस्ट ऑफ पिंटरेस्ट में उसने डाल दिया केक रेसिपीज, क्योंकि उसने जो जो अच्छा अच्छा वहां पर पिंटरेस्ट में जो भी उसे अच्छा लग रहा था, जो बेस्ट है वो उसने बेस्ट ऑफ पिंटरेस्ट में डाल दिया। तो एज पर पिंटरेस्ट का जो एल्गोरिथम है वो बेस्ट ऑफ पिंटरेस्ट में उसे ये ठीक सही ढंग से आइडिया वो मैच नहीं कर पाएगा कि इसमें क्या रेसिपीज भी है, मतलब ये कोई क्लियर आइडिया नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर क्लियर आइडिया देने के लिए आपको कीवर्ड का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। आप जब भी कोई बोर्ड क्रिएट कर रहे हैं उसमें सही तरीके का इस्तेमाल करें कीवर्ड का। आप जो उम्मीद करता हूँ आपने ऑलरेडी कीवर्ड का जो रिसर्च कर लिया कि आपको किस किस कीवर्ड के अगेंस्ट में आपको रैंक करना है, तो उन कीवर्ड से आप बोर्ड का नेम क्रिएट करें। कोशिश करें कि बोर्ड का जो नेम है वो कोई फैंसी नेम ना हो, वो क्लीन एंड क्लियर कीवर्ड रिलेटेड हो या फिर कोई क्वेरी रिलेटेड हो जिसमें क्वेरी में कीवर्ड का इस्तेमाल हो। तो इस तरीके से क्लीन एंड क्लियर मैसेज आपके बोर्ड का जो नेमिंग है उस नेमिंग से मिलना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप बोर्ड का नेमिंग करें, ये बोर्ड क्या है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। बोर्ड का नेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड का जो सिलेक्शन है ये एल्गोरिथम में अगर मैच करता है तो उसके बाद पिंटरेस्ट को ये जानने में आसानी होती है कि आपके इस बोर्ड के अंदर में उस जो सर्च है, सर्च रिलेटेड कंटेंट है, फिर वो वहां से पिक करती है और वो उसे बेटर रिजल्ट रैंकिंग में वो प्लेसमेंट करती है। तो अगर आपने अपना बोर्ड ऑलरेडी मैं कोई फैंसी नेम यूज किया, उसमें कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, तो मैंने जिस तरीके से दिखाया वो आप अपने बोर्ड्स पर जाइए, वहां पर हर जो नेमिंग के नीचे में आपको एक पेंसिल नजर आ जाएगा, वो पेंसिल में क्लिक करके उसे एडिट करके उसमें आज ही वहां पर बोर्ड में सही तरीके से आप उसका इस्तेमाल करें, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप इनिशियल स्टेज में जब बोर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 15 अलग अलग बोर्ड्स को वहां पर क्रिएट कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स का इस्तेमाल हो आपके प्रोफाइल में। और जब भी पिंटरेस्ट में कोई भी सर्च होगा तो यहाँ पर आपका रिलेटेड कीवर्ड मिलने से पिंटरेस्ट आपका जो भी बोर्ड है या आपका जो पिंस है उसे पिंस को वो टॉप में वो रैंक में वो वहां पर प्लेसमेंट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पिंटरेस्ट में आपको अच्छे खासे ट्रैफिक मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके आगे हम लोग पिंटरेस्ट के बोर्ड का डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखे हैं नेक्स्ट हम लोग वो जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक टू सब्सक्राइब को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन का आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।